बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय। सबसे पहले तो आप सभी को देवशयनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बिहारी जी के दर्शन कराऊंगा और साथ में देवशयनी एकादशी की व्रत कथा भी सुनाऊंगा, क्योंकि व्रत कथा को सुनने मात्र से ही एकादशी का पुण्य प्राप्त होता है। तो आप सभी इस वीडियो को पूरा देखें और कथा का आनंद लें। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, अषाढ़ शुक्ल एकादशी का नाम क्या है, इसके व्रत को करने की विधि क्या है और किस देवता का पूजन किया जाता है। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया था, तब ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया कि हे नारद, तुमने कलयुगी जीवों के उद्धार के लिए बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है, क्योंकि देवशयनी एकादशी का व्रत सब व्रतों में उत्तम है। इसको व्रत को करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और जो मनुष्य इस व्रत को नहीं करते वह नरकगामी होते हैं। इस व्रत को करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। इस व्रत एकादशी का नाम पद्मा है और अब मैं तुमको इसकी पौराणिक कथा कहता हूँ, तो मन लगा कर सुनना। एक बार सूर्यवंश में मानधाता नाम का एक चक्रवर्ती राजा हुआ, जो सत्यवादी और महान प्रतापी था। वह अपनी प्रजा को पुत्र की भांति पालन किया करता था। उसकी सारी प्रजा धन धान्य से भरपूर और सुखी थी। उसके राज्य में कभी भी अकाल नहीं पड़ता था। एक समय उस राजा के राज्य में 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई और अकाल पड़ गया। प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी हो गई। अन्न के ना होने से राज्य में यज्ञादि भी बंद हो गए। एक दिन प्रजा राजा के पास जाकर कहने लगी कि हे राजा, सारी प्रजा त्राही त्राही पुकार रही है, क्योंकि समस्त विश्व में सृष्टि का कारण वर्षा है। वर्षा के अभाव से अकाल पड़ गया है और अकाल से प्रजा मर रही है। इसलिए हे राजन, कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे प्रजा का कष्ट दूर हो। राजा माधान्ता कहने लगे कि आप लोग ठीक कह रहे हैं, वर्षा से ही अन्न उत्पन्न होता है और आप लोग वर्षा न होने से अत्यंत दुखी हो गए हैं। मैं आप लोगों के दुखों को समझता हूँ। ऐसा कहकर राजा कुछ सेना को साथ लेकर वन की तरफ चल दिया। वह अनेक ऋषियों के आश्रम में भ्रमण करता हुआ अंत में ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचा। वहां राजा ने घोड़े से उतरकर अंगिरा ऋषि को प्रणाम किया। मुनि ने राजा को आशीर्वाद देकर उनसे आश्रम आने का कारण पूछा। राजा ने हाथ जोड़कर विनती भाव से कहा कि हे भगवान, सब प्रकार के धर्म पालन करने पर भी मेरे राज्य में अकाल पड़ गया है, इससे प्रजा अत्यंत दुखी है। राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट होता है, ऐसा शास्त्रों में कहा है। जब मैं धर्मानुसार राज्य करता हूँ तो मेरे राज्य में अकाल कैसे पड़ गया, इसका कारण तो पता मुझे अभी तक नहीं चल सका है। अब मैं आपके पास इसी संदेह का निवृत्त कराने के लिए आया हूँ। कृपा करके इस संदेह को दूर कीजिए, साथ ही प्रजा के कष्ट को दूर करने का कोई उपाय बताइए। इतनी बात सुनकर ऋषि कहने लगे कि हे राजन, यह सतयुग सब युगों में उत्तम है। इसमें धर्म के चारों चरण सम्मिलित हैं, अर्थात इस युग में धर्म की सबसे अधिक उन्नति है। लोग ब्रह्म की उपासना करते हैं और केवल ब्राह्मणों को ही वेद पढ़ने का अधिकार है। ब्राह्मण ही तपस्या करने का अधिकार रख सकते हैं, परंतु आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। इसलिए यदि आप प्रजा का भला चाहते हो तो उस शूद्र का वध कर दो। इस पर राजा कहने लगे कि महाराज, मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को किस तरह मार सकता हूँ, आप उस दोष को छूटने का कोई दूसरा उपाय बताइए। तब ऋषि कहने लगे कि हे राजन, यदि तुम अन्य उपाय जानना चाहते हो तो सुनो। अषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में पद्मा नाम की एक एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो।
व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा सुख प्राप्त करेगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सब सिद्धियों को देने वाला है और समस्त उपद्रवों को नाश करने वाला है। इस एकादशी का व्रत तुम प्रजा सेवक तथा मंत्रियों सहित करो। मुनि के इन वचनों को सुनकर राजा अपने नगर वापस आया और उसने विधि पूर्वक पद्मा एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वर्षा हुई और प्रजा को सुख पहुंचा। अतः इस मास की एकादशी का व्रत सभी मनुष्यों को करना चाहिए। यह व्रत इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति को देने वाला है। इस व्रत को पढ़ने और सुनने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। साल में 24 एकादशियां आती हैं, लेकिन अगर कोई 24 एकादशियों का व्रत नहीं रख पाता है तो वो चार मुख्य एकादशियों का व्रत रह सकता है, जिससे उसे 24 एकादशियों का पुण्य प्राप्त होता है। वह मुख्य चार एकादशी हैं, फागुन में रंग भरने एकादशी जिसे आमला एकादशी भी कहते हैं, ज्येष्ठ में निर्जला एकादशी जिसे भीमसेन एकादशी भी कहते हैं, कार्तिक में देव उठान एकादशी जिससे सभी शुभ काम प्रारंभ हो जाते हैं जैसे शादी विवाह, और अषाढ़ मास की देव शयन एकादशी जिसमें ठाकुर जी चार माह के लिए क्षीर सागर में विश्राम करने चले जाते हैं। वैसे आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। देखिए, शेयर करना सबसे इम्पोर्टेंट है ताकि सभी भक्त दर्शन कर सकें। मैं मिलता हूँ आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। राधे राधे, जय बिहारी जी की।